हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ मूंगफली की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं चटनी बनाना। मूंगफली की बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही आसान चटनी बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा कप के करीब मूंगफली। तो इसको हम रोस्ट करेंगे, तो ड्राई रोस्ट ही करना है इसे। और साथ में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च। तो यहाँ पर मैंने दो नॉर्मल वाली लाल मिर्च ली है और दो कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये इसमें डाल देते हैं। और इस लाल मिर्च की जगह पर आप हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। लाल मिर्च से चटनी में बहुत अच्छा कलर आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लाल मिर्च डाला है, लेकिन हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर साथ में डाल रही हूँ आधा चम्मच साबुत जीरा और आधा चम्मच ही साबुत धनिया डालेंगे। और यहाँ पर मैंने साबुत जीरा और साबुत धनिया डाल दिया है आधा आधा चम्मच। और साथ में यहाँ पर डाल रही हूँ एक चम्मच के करीब चने की दाल। और यहाँ पर ले रही हूँ 10 से 12 करी पत्ते। और सभी चीजों को हमें बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है। गैस के फ्लेम को हमें लो ही रखना है और लो रखते हुए इसे 5 से 6 मिनट हम भून लेंगे, ताकि बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाए। इसे हम लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है धनिया की, जीरे की। और यहां पर मैंने सभी चीजों को अच्छे से भून लिया है, तो 5 से 6 मिनट में ही बहुत अच्छे से भून जाता है। और देखिए यहाँ पर जीरा वगैरह भी बहुत अच्छे से भून गया है। और अगर आप चाहे तो मूंगफली को पहले से भी भून के रख सकते हैं, इससे चटनी बहुत आसानी से बन जाती है। तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सभी चीजों को प्लेट में निकाल लिया है और इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसकी हम चटनी बनाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर ये मूंगफली हमारी ठंडी हो चुकी है, तो इसे एक जार में डाल देते हैं और साथ में डाल लेते हैं स्वाद के अनुसार नमक। और यहां पर डाल रही हूं मैं बहुत ही थोड़ा सा पानी, पानी डाल लेंगे। यहां पर मैं 1/3 कप के करीब पानी डाल रही हूं। चटनी की जैसी भी कंसिस्टेंसी आप रखना चाहते हैं उसके अनुसार पानी डाल सकते हैं। 1/3 कप मैंने पानी डाला है और इसको अब ग्राइंड कर लेते हैं। यहां पर मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, लेकिन देखिए इस तरीके की अभी चटनी हुई है, प्रॉपर मैंने अभी ग्राइंड नहीं किया है। अब इसको अच्छे से पहले हम इस तरीके से निकाल लेंगे और इसमें और पानी डालेंगे। तो 1/3 कप मैंने उस टाइम पानी डाला था और 1/3 कप फिर से डाल रही हूं और फिर से इसको फाइन ग्राइंड कर लेंगे एकदम। यहां पर मैंने चटनी को फाइन ग्राइंड कर लिया है और मैंने इस तरीके की चटनी रखी है, तो आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने जरूरत के अनुसार मोटा या पतला रख सकते हैं। और इसको अब एक बोल में निकाल लेंगे। अगर आप इसे पतला रखना चाहते हैं तो पतला कर थोड़ा सा पानी डालकर इसे पतला भी कर सकते हैं। और ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होती है, अगर आप एक बार बना लेंगे तो इस चटनी को हर दिन बनाएंगे। और यहां पर मैं थोड़ा सा पानी भी डाल दे रही हूं जार में डालकर चटनी में, और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप इस चटनी को इडली, डोसा, बड़ा किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है ये चटनी। और ये चटनी अब तैयार हो गई है, तो इसमें आप एक तड़का लगा लेते हैं। चटनी में तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा चम्मच काली सरसों ले ली है, कुछ करी पत्ते ले लिए हैं, एक लाल मिर्च ले ली है और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने उड़द की दाल ली है, तो ये बिना छिलके वाली उड़द की दाल ले ली है आधा चम्मच। तड़का लगाने के लिए तड़का पैन गैस पे मैंने चढ़ा दिया है और इसमें 1 टेबल स्पून के करीब तेल डाल लेते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब तेल यहाँ पर डाल लिया है, तो आप जो भी तेल यूज करते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। और तेल जब हल्का गर्म हो जाएगा तो इसमें हम काली सरसों के दाने डाल लेंगे। तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है और ये आधा चम्मच काली सरसों के दाने इसमें डाल लेते हैं और साथ में डाल लेते हैं उड़द की दाल। तो आधा चम्मच जो हमने उड़द की दाल ली है वो इसमें डाल लेंगे।
और इसे हम अच्छे से भूनने देते हैं पहले। जब दोनों चीज अच्छे से भुन जाएगी तो इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे और करी पत्ते डालेंगे। यहाँ पर दोनों चीजें भुन गई है तो यहाँ पर मैं लाल मिर्च डाल देती हूँ और साथ में जो हमने करी पत्ते लिए हैं वो डाल देंगे। और ये हमारा तड़का बनके तैयार हो गया है और ये हम चटनी में डाल लेते हैं। तो गैस मैं बंद कर दे रही हूँ। और इसे मिक्स कर लेंगे। तड़का डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये चटनी हमारी बनके तैयार हो गई है। इस चटनी को आप जरूर बनाइए क्योंकि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतनी ही टेस्टी है। और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए कि ये मूंगफली की चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।